न्यूज़ डिवाइन के एक और अंक के साथ अपने सभी दर्शकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं हूं राकेश और मैं हूं मुक्ता। नमस्कार, धन निरंकार। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको अपने पिछले एपिसोड में सूचित किया था, निरंकारी मिशन का 69वां वार्षिक संत समागम दिल्ली के बुराड़ी रोड स्थित विशाल मैदानों में 19, 20 और 21 नवंबर को आयोजित हुआ। लाखों महात्माओं का सामूहिक रूप एक बार फिर से पूरी दुनिया को प्रेम और भाईचारे का संदेश देने के उद्देश्य से एकत्र हुआ, पर प्रेम के मसीहा का हमारे बीच ना होने का एहसास हर पल में था, हर सांस में था, हर चेहरे पर था। जी हाँ, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का शारीरिक रूप में हमारे बीच न होने के कारण एक ऐसा खालीपन जो शायद शब्दों में बयान किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि वो भाषा थी आंखों की नमी और दिल की धड़कनों की। हर निगाह मानो आज भी उम्मीद में टिकी हुई कि शायद दीदार हो जाए। पर सदगुरु माता सविंदर हरदेव जी के सानिध्य ने भक्तों के दर्द को सुकून और संतोष में बदलने में देर भी नहीं लगाई। उन्होंने एक एक गुरसिक को अपनी करुणा और स्नेह की ऐसी निगाह से आशीर्वाद दिया कि सबको ये पूर्ण विश्वास हो गया कि सदगुरु ने केवल रूप बदला है। और सदगुरु के इसी आशीष के सहारे लाखों श्रद्धालुओं ने ट्रिब्यूट टू ह्यूमननेस के रूप में समागम मनाया और बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के विशाल और संपूर्ण जीवन के प्रति एक भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। 69वें समागम के साथ साथ इस एपिसोड में और भी अनेक समाचार होंगे जो आप तक निरंकारी जगत के अनेक पहलुओं योगदानों का ब्यौरा पेश करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। दिव्यवाणी, कल्याण यात्राएं, 69वां निरंकारी वार्षिक संत समागम, मिशन ओवरसीज, SNCF डायरी, एक खास मुलाकात और अदर न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। आइए दोस्तों, न्यूज डिवाइन के पहले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, जिसपे हर बार की तरह सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के मुखारविंद से बरसे अमृत वचनों से प्रेरणा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं हम सब मिल करके। आइए सुनते हैं दिव्यवाणी। जब हमारे हृदय में समर्पण भाव हो जाता है, जब हम इसी के एहसास में डूब जाते हैं और फिर वो घड़ियां और लम्हे, वो पल क्षण जो बीतते हैं वो सुंदर होते हैं। कई दफ़ा दास ने दोहराया कि जब ये नई सदी का आगमन हुआ, जब सन 2000 में हमने प्रवेश किया, 1999 के बाद जब ईयर 2000 चढ़ा, तो उस वक्त एक स्लोगन इसी मिशन के मंच से दिया गया कि युग सुंदर, सदियां सुंदर, हर पल सुंदर, गर मानव जीवन हो सुंदर। के युगों और सदियों और पलों लम्हों की सुंदरता, गर मानव जीवन हो सुंदर। जिन भावनाओं का जिक्र हो रहा है, वो भावनाएं हृदय में घर कर जाती हैं तो जीवन सुंदर बन जाता है। यानी कि घड़ियां, लम्हे, युग, सदियां, उनकी महत्ता मन की सुंदरता के कारण है। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के दिव्यवाणी को सुनने के बाद, इन आशीर्वचनों को सुनने के बाद, अब आगे बढ़ते हैं। जिन शब्दों के माध्यम से, जिन कर्मों के माध्यम से सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज इस मिशन का प्रचार प्रसार करना चाहते थे, मानवता को जन जन तक पहुंचाना चाहते थे, उसी का बीड़ा उठाया है सदगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज ने। अपनी कल्याण यात्राओं के द्वारा किस प्रकार वो प्रेम का प्रसार और प्रचार कर रही हैं, आइए देखते हैं। सदगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज मानव कल्याण के पथ पर लगातार अग्रसर हो रहे हैं और समस्त मानव परिवार को निरंतर अपना मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं।
इसी लड़ी में 3 नवंबर को सदगुरु माता जी का आगमन गुड़गांव में हुआ। यहां पर सत्संग कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, जिसमें गुड़गांव के अलावा दिल्ली व दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों से भरपूर संख्या में संगतों का आगमन हुआ। सत्संग कार्यक्रम में भक्तों ने अपने हृदय के भाव सदगुरु माता जी के समक्ष गीत, व्याख्यान और कविता के माध्यम से प्रस्तुत किए। परम ममतामयी सदगुरु माता जी ने आए हुए समस्त मानव परिवार को संबोधित करते हुए फरमाया, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस कर करके परफेक्शन तो आ ही जाती है, बट मेक श्योर व्हाट यू आर प्रैक्टिसिंग। कहीं हम नेगेटिविटी को तो नहीं प्रैक्टिस करते करते उसको अपने जीवन का एक अंग या जीने का तरीका बना लेते हैं। हम ये तो नहीं कहते हम कहीं, हमें इंसानियत से तो बहुत प्यार है पर हमें इंसान नहीं अच्छे लगते। इंसानियत से प्यार ही सच्ची मुझी का तब होता है जब हम इंसानों से भी प्यार करें, मिलजुल के रहें। नवंबर के महीने में आयोजित होने वाले समागम की तैयारियों और ग्राउंड की सेवाओं के दौरान सदगुरु माता जी दिन रात सुबह शाम समागम ग्राउंड के हर कोने में जाकर सेवाओं का निरीक्षण करते हुए भक्तों को भरपूर आशीर्वाद प्रदान करते रहे। इसके अलावा दिल्ली के बुराड़ी रोड के नजदीक ग्राउंड नंबर 8 में प्रत्येक रविवार को सदगुरु माता जी की पावन कृपा भक्तों पर बरसती रही। आइए चलते हैं अपने अगले सेक्शन की ओर। 69वें वार्षिक संत समागम के समाचारों से, जहां प्रेम का एक ऐसा शहर बस गया था जिसे देखकर दुनिया के लोग जहां एक और आश्चर्यचकित थे, वहीं प्रेरित भी हुए थे। Absolutely, the 69th annual Rangkari Sant Samagam once again established the fact that the teachings of the mission are a perfect solution to the plethora of problems that exist in the world today, because the solution of all these problems lies in harmony, love and humanness, which is possible only through oneness. Join us in viewing the sublime world of loving devotion that manifested at the Burari Road grounds near Nirankari Chowk. Here is a report by our team. 69वां निरंकारी संत समागम 19, 20 व 21 नवंबर को दिल्ली के बुराड़ी रोड स्थित निरंकारी सरोवर के सामने व आसपास के ग्राउंड्स में आयोजित किया गया। रात दिन भक्तों की निष्काम सेवा के फलस्वरूप समागम स्थल की उबड़ खाबड़ जमीन समतल होकर एक व्यवस्थित रूप ले चुकी थी और बड़े बड़े रंग बिरंगे शामियाने लगाने के बाद समागम स्थल विशाल नगर की भांति प्रतीत हो रहा था। पूरे समागम स्थल को 5 ग्राउंड्स में बांटा गया था, जिसमें ग्राउंड नंबर 2 में मुख्य पंडाल बनाया गया था। शेष सभी में श्रद्धालुओं के रिहायशी स्थान बने हुए थे। समागम ग्राउंड में भक्तों की सुविधा हेतु अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं की गई थी। समागम का मुख्य द्वार, जिस पर बाबा हरदेव जी महाराज की मोहक आकृति सुशोभित हो रही थी, इसके साथ ही अनेक प्रकार के ऑफिसेज जैसे लेखा जोखा, सेवा दल ऑफिस, खोया पाया, प्रेस एवं पब्लिसिटी, प्रकाशन तथा स्थान स्थान पर स्वास्थ्य की देखभाल हेतु अनेक डिस्पेंसरीज में अनुभवी डॉक्टर्स द्वारा आगंतुकों को स्वास्थ्य लाभ पहुँचाया जा रहा था। सदगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज समागम सेवा के दौरान सुबह, दोपहर, शाम समागम ग्राउंड्स के कोने कोने में जाकर जहां समागम की तैयारियों का निरीक्षण करते, वहीं भक्तों की सुविधा हेतु हो रही प्रत्येक व्यवस्था का बारीकी से जायजा भी ले रहे थे। इतना ही नहीं, सदगुरु माता जी लगभग प्रत्येक टेंटों में पहुंचकर भक्तों को आशीर्वाद देते रहे और उनका कुशल क्षेम पूछते रहे। समागम के दिन नजदीक आते ही अलग अलग प्रांतों तथा दूर देशों से रात दिन भक्तों का आगमन शुरू हो गया। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा आदि स्थानों पर बाहर से आने वाले भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। तो देखिए आप किस तरह से यहाँ पे संतों महात्माओं का आगमन हो रहा है। बसों पे बसें यहाँ पर आ रही है, एक के बाद एक निरंतर बसें यहाँ पर आ रही है। संत महापुरुष इसमें भर भर के समागम में आ रहे हैं और सदगुरु माता जी की उपस्थिति में पहला समागम, हम कह सकते हैं कि जब से सदगुरु ने चोला बदला है उसके बाद ये पहला समागम है और रात के करीबन 1:30 बज रहे हैं और उसके बाद भी संतों का आगमन निरंतर जारी है। डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से आए हैं और शहर सिकंदराबाद से बाबा जी के समागम में यहाँ पे समागम अटेंड करने के लिए आए हैं। हम इटावा से आए और हमारे 12 घंटे की यात्रा थी। हम यमुनानगर से आए हैं और माता जी का और बाबा जी का प्यार हमें समागम में इतनी दूर से यहाँ पर खींच के लेकर आया। मैं जलंधर खेतर से हूँ और आज हम निरंकारी संत समागम विच आए हाँ और सानू इत्थे बाबा जी ने 36 सालां दे विच बहुत कुछ सिखाया। 10 हिमांशु नायक राउरकेला उड़ीसा से आया है। हमारे साथ 180 महापुरुष महात्मा राउरकेला से इस
69वां निरंकारी संत समागम में भाग लेने के लिए आए हुए हैं। सुबह के 4 बजे इस समय हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खड़े हैं, जहां पर अलग अलग देशों से काफी महापुरुष आ रहे हैं। Hi, my name is Dr. David Melendez. This is my wife, Dr. Lorraine Melendez. We're visiting here from San Diego, California, United States. Das Mohit Dubai से आया है। हर साल यहाँ आने का मौका मिलता है, पर यहाँ जो हमें देखने को मिलता है वो नज़ारा ही कुछ और होता है। My first time in India. It's very exciting to be here. Various spiritual groups coming together at a big organization and festival like this. So we're really happy to be participating and to help out and to serve and to meet as many people and have some smiles and have a good time. And we're here to just share some love. हर उम्र हर वर्ग के श्रद्धालु भक्त सिर पर अपना सामान उठाए किसी भी मुश्किल की परवाह ना करते हुए समागम स्थल की ओर बढ़े चले आ रहे थे। भक्तों के दिलों में जहां वर्तमान सद्गुरु माता जी के लिए श्रद्धा प्रेम उमड़ रहा था, वहीं अपने प्यारे सद्गुरु बाबा जी की कमी भी खल रही थी। बाबा जी कमी तो बहुत बहुत ही ज्यादा महसूस हो रही है हमको। बाबा जी की कमी इतनी है कभी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन जैसे माता जी चाहते हैं हम उनके आदेश मान पाए। बहुत ज्यादा महसूस तो हो रहा है, लेकिन बाबा जी की और जो माता जी जोत तो एक ही है, कोई अलग नहीं है। I'm finding it very hard to contain my emotions. I think these saints are bringing everything to the surface. सद्गुरु रूप में प्रकट होने के पश्चात माता सविंदर हरदेव जी की छत्र छाया में आयोजित होने वाला ये पहला समागम था। बाबा हरदेव जी महाराज के कल्याणकारी जीवन को समर्पित दिल्ली के इस 69वें समागम का नाम था मानवीयता एक समर्पित सफर। समागम का शुभारंभ प्रार्थना दिवस समारोह से हुआ, जो 17 नवंबर को सद्गुरु माता सविंदर हरदेव जी की छत्र छाया में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में देश विदेश से आए अनेक भक्तों ने अपने भाव गीत विचार और कविता के रूप में सद्गुरु माता जी के समक्ष रखकर आगामी समागम की सफलता के लिए आशीर्वाद की प्रार्थना की। इसके अलावा पत्रिका विभाग द्वारा प्रकाशित 69वें समागम स्मारिका सद्गुरु और स्टूडियो द्वारा तैयार सद्गुरु बाबा जी पर आधारित अनेक CD और DVDs का विमोचन भी सद्गुरु माता जी के पावन कर कमलों के द्वारा किया गया। इस अवसर पर सद्गुरु माता जी ने अपने आशीर्वचनों में फरमाया, सात संगत जी प्यार से कहना धन मंग, पिछले अनेक वर्षों की तरह इस वर्ष भी आप प्रार्थना दिवस पे देश और विदेश के अनेक स्थानों से आए हैं। ये बाबाई के प्रति मिशन के प्रति आपका प्यार है श्रद्धा है जो आपको यहाँ लेके आया है। बचपन में भी एक गीत सुनते थे, उसकी लाइनें थी, ए हो अरज है मेरी शामा दे शहनशाह, राजी रवा मैं ओदा जिदा तेरी रजा, नंकार की रजा में रहना आ जाए, कभी कोई गिला शिकवा ना करें और आगे से आगे बढ़ के सेवा सिमरन सत्संग करें, इसमें कभी कमी ना आने दें और जैसा जीवन बाबा जी ने हमसे चाहा वैसा ही जी पाएं। समागम का पहला दिन 19 नवंबर को समागम के पहले दिन की शुरुआत हुई। देश विदेश के कोने कोने से आए हुए भक्तों की उपस्थिति से समागम स्थल भरा हुआ था, किंतु चारों ओर शांति छाई हुई थी। दोपहर होते होते मुख्य द्वार से पंडाल तक दोनों तरफ श्रद्धालु भक्त कतारबद्ध होकर अपने वर्तमान सद्गुरु माता सविंदर हरदेव जी की प्रतीक्षा करने लगे। सद्गुरु बाबा हरदेव जी महाराज की साकार रूप में कमी चारों ओर महसूस हो रही थी। हृदय में उमड़ते दर्द का ज्वार संभाले भक्तों की निगाहें मुख्य द्वार की ओर लगी हुई थी। खुले वाहन में जब सद्गुरु माता जी का आगमन हुआ तो हजारों आंखें एक साथ बरस पड़ी। धीमी धीमी स्वरों में बजते स्वागत गीत के बीच सद्गुरु माता जी पंडाल की ओर बढ़ने लगे। भक्तों की आंखों में पिछले तमाम समागम के दृश्य एक साथ कौंध गए जब शोभा यात्रा में दिव्य युगल की नूरानी जोड़ी एक साथ सजती थी। उस सुंदर और मनमोहक नजारे की याद हर भक्त की आंखों में साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन वक्त के बदलाव और निरंकार की रजा के आगे सभी मौन थे। आखिर स्वयं सद्गुरु बाबा जी की सिखलाई भी तो यही थी। सद्गुरु माता जी जब आसन पर विराजमान हुए तो सत्संग का वातावरण गरिमामय हो उठा।
और विधिवत रूप से सत्संग कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। एक और नमस्कार की लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी, जिसमें मौजूद भक्तजन सद्गुरु माता जी के दर्शन पाने हेतु उत्सुक दिख रहे थे। तो वहीं दूसरी ओर मुख्य मंच पर बाबा हरदेव जी महाराज को समर्पित गीत, व्याख्यान और कविताएं गूंज रही थीं और संपूर्ण जनसमूह शांति और गंभीरता पूर्वक श्रवण कर रहा था। मसीहा अमन चैन का पैगाम दे गया, नमी आंखों को लबों को मुस्कान दे गया, नमी आंखों को लबों को मुस्कान दे गया। करके इकट्ठा तरमा नू एक गल समझा के चला गया, मजबा दे लेबल ला के इंसान बना के चला गया। मंजिल तो पटके राइयां नू ओ राते पाके चला गया, नरकां विच सड़दी रूहां ते रहमत वरसा के चला गया। जब बाबा जी यूरोपियन पार्लियामेंट में गए तो सासंगत जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने पूछा कि आप क्या करते हो जो इतने डिफरेंट लोग हैं आपकी संगत में, इतने महापुरुष डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं और हमारा भी यूरोप ऐसे ही है, कितने स्टेट्स हैं, हम क्या करें, हमें कुछ एडवाइस दो। और बाबा जी ने कहा कि प्यार ही सत्संगत एक दूसरे को करीब लाता है, भाषा कोई भी हो सत्संगत हमने प्यार करना है। मेरा मिशन बढ़ता रहे हरदेव सतगुरु, तेरा मिशन बढ़ता रहे हरदेव सतगुरु, ये कारवां सजता रहे, ये कारवां सजता रहे हरदेव सतगुरु, तेरा मिशन बढ़ता रहे हरदेव सतगुरु। कार्यक्रम के अंतिम दौर में सद्गुरु माता जी ने बाबा अवतार सिंह जी, बाबा गुरबचन सिंह जी, राजमाता जी और बाबा हरदेव सिंह जी की शिक्षाओं की ओर प्रेरित करते हुए कहा, सत्संगत जी बाबा बूटा सिंह जी, शहनशाह जी, जगत माता जी, राजमाता जी, बाबा गुरबचन सिंह जी ने ये सुंदर इमारत खड़ी करी और पिछले 36 वर्षों में बाबा हरदेव सिंह जी की रहनुमाई में ये मिशन और आगे बढ़ता गया और दुनिया के कोने कोने में छाया। ये जो आज दीवार रहित संसार आप देख रहे हैं ये बाबा जी की सिखलाई का ही नतीजा है। बाबा जी ने अनेकों शिक्षाएं हमको दी और बाबा जी के एहसानों का बदला हम कभी चुका नहीं पाएंगे। समागम का दूसरा दिन, समागम के दूसरे दिन की शुरुआत सेवादल रैली के साथ हुई। गौरतलब है कि सेवादारों को समय के सद्गुरु की विशेष कृपा प्राप्त है। इसी कृपा के फलस्वरूप सेवा दल के भाई बहन समागम की संपूर्ण व्यवस्था को कुशलता पूर्वक निभा पाते हैं। समागम में आए हुए हजारों श्रद्धालुओं के सैलाब को संभालना, उनके लिए लंगर तैयार करना और परोसना, स्वच्छ जल की व्यवस्था करना और फिर प्याऊ पर घंटों खड़े रहकर वितरित करना, मर्यादित ढंग से नमस्कार की लाइनें बनवाना, ग्राउंड के कोने कोने की साफ सफाई इत्यादि करना, मुख्य पंडाल से कोसों दूर निर्जन स्थान पर खड़े रहकर भूले भटके को रास्ता बताना, पार्किंग की व्यवस्था संभालना, ट्रैफिक कंट्रोल करना, दिव्यांग भक्तों की सेवा करना, सरोवर पर स्नान को जाते भक्तों के लिए व्यवस्थाएं बनाना, कैंटीन, प्रकाशन आदि स्थानों पर अपनी सेवाएं देना, इसके अलावा भी अनेक प्रकार की सेवाएं सेवा दल के भाई बहन बड़ी तत्परता और उत्साहपूर्वक निभा रहे थे। निष्काम और श्रद्धा भाव से सेवा करते इन सेवादारों के भाव भी श्रद्धा और प्रेम से परिपूर्ण थे। समागम में हमें 20 साल हो गए सेवा ले को। 20 साल वो क्या चीज है जो 20 साल तक साथ है और आज निरंतर कृपा है जी।
सब कुछ मिला यहाँ से, जो किस्मत में नहीं था वो भी मिला। आई एम फीलिंग ब्लेस्ड, जो कि गुरु जिन पे खुश होता है तो उनको सेवा से नवाज देता है, तो सेवा ये एक बहुत बड़ा मेरा कंट्रीब्यूशन हो रहा है समागम में। मैंने नोटिस किया कि हम काफ़ी पंडाल से दूर आ गए हैं, यहाँ पर जैसे समागम सुनने का आपको अवसर नहीं मिलता है, आपको कैसे महसूस होता है कि आप इतनी दूर से आए हो और पंडाल से इतनी दूर हो? देखिए, हमारा एक ही भाव है, सदगुरु आदेश जो होता है हमारे लिए सर्वोपरि है, जो आदेश होता है उस आदेश को मानते हुए हमने चलना है तो हम भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं, अगर हम आदेश के खिलाफ चलते हैं तो भक्ति मार्ग पर नहीं चल रहे हैं। हम लोग अपनी खुशी के लिए सेवा करते हैं कि हम लोग को सेवा करने से खुशी मिलती है। हमारी जो असल कमाई है ये सेवा हमें मिला है, गुरु की कृपा से जो सेवा मिली है उसे हम पूरा कर लेते हैं, अगर अच्छे से निभ जाता है तो समझते हैं हमारा समागम जो है सफल हो गया। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हमारे लिए मानवता के मसीहा थे। गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी सेवादल रैली का आयोजन समागम के दूसरे दिन हुआ। सेवादल की स्थापना का ये 60वां वर्ष होने के कारण सेवादल का उत्साह बढ़ा हुआ नजर आ रहा था। इस बार ये कार्यक्रम अन्य स्थान पर न होकर मुख्य पंडाल में ही हुआ। सद्गुरु माता जी के समक्ष सेवादारों ने प्रार्थना गीत, पीटी परेड, मार्चिंग गीत आदि की प्रस्तुति देते हुए वर्तमान सद्गुरु को गरिमामय ढंग से सलामी दी। इसके अलावा सेवा दल के भाई बहनों ने विभिन्न प्रस्तुतियों के माध्यम से जहां बाबा हरदेव सिंह जी की शिक्षाओं को याद किया, वहीं सेवा दल के 60 साल के ऐतिहासिक पक्ष को भी रोचक ढंग से उजागर किया। साथ ही बाबा अवतार सिंह जी से लेकर बाबा हरदेव सिंह जी के समय में सेवा दल में हुई प्रगति को भी दर्शाया। सद्गुरु माता जी ने सेवादल रैली में बाबा हरदेव सिंह जी की सेवा भावना को याद करते हुए भक्त सेवादारों को मर्यादित सेवा की महत्ता समझाते हुए फरमाया, आपने अभी मिशन की पिछले 60 इयर्स की सेवादल की हिस्ट्री भी देखी, कहाँ 5 यूनिट्स से शुरू होकर आज देश विदेश में आपकी एक्टिविटीज़ चल रही हैं। बाबा जी ने भी वर्दी पहनी और उसे गौरव समझा अपना और अनेक प्रकार की सेवाएं की, कैमरा लेके फोटोग्राफी करी या एयरपोर्ट से महापुरुषों को लेके आना या लंगर में अनेकों सेवाएं बाबा जी ने की, और मर्यादा में रह के ही, हुक्म में रह के ही सेवा जो होती है वो महान होती है। साध संगत जी धन। सेवादल रैली के संपन्न होने के उपरांत दूसरे दिन के सत्संग कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। पहले दिन की ही तरह दूसरे दिन के सत्संग कार्यक्रम में भी विभिन्न भाषाओं का सहारा लेकर सद्गुरु बाबा हरदेव जी महाराज के उपकारों को श्रद्धा भाव से याद किया गया। सत्संग जी गुरु कोइले पनि जान्दैन मर्दैन, सत्संग जी यसै कारण उ जन्म पनि लिँदैन, गुरु त सिर्फ प्रकट हुन्छ। ना हे शिकवा ना कोई गिला, हमने कदमों में सर रख दिया, हमने कदमों में सर रख दिया, ना है शिकवा ना कोई गिला। The values he stood for, the things that were close to his heart. And I know that Babaji paid a lot of attention, he gave a lot of love to the youth, the youngsters. माता तुम हो जगत विधाता, माता तुम हो जगत विधाता। सविंदर जी
पहले थी हरदेव की शक्ति, सविंदर जी पहले थी हरदेव की शक्ति, बन सविंदर हरदेव हुई शक्ति विधाता, बन सविंदर हरदेव हुई शक्ति विधाता, माता तुम हो जगत विधाता। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड, वर्ल्ड पीस अवार्ड पूजनीय बाबा हरदेव सिंह जी को दिया जाएगा। बोल सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की जय। कि बाबा हरदेव सिंह जी आज भी हमारे साथ हैं, उनके चलाए हुए रास्ते पे हमें चलना होगा, शांति का पैगाम देना होगा, यही हमारा मकसद है। अमन प्यार के मसीहा तुम्हें करते हैं नमन, करते हैं नमन। इस अवसर पर अनेक गणमान्य सज्जनों ने उपस्थित होकर सद्गुरु माता जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। सत्संग कार्यक्रम में जब बाबा हरदेव सिंह जी के प्रवचन स्क्रीन पर प्रसारित किए गए तो संपूर्ण वातावरण में बाबा जी की मौजूदगी सजीव प्रतीत होने लगी। सद्गुरु माता जी बाबा जी की ही भांति घंटों धैर्य पूर्वक सभी के दिलों के भाव श्रवण करते रहे। अंत में नपे तुले शब्दों का सहारा लेकर सद्गुरु बाबा जी की शिक्षाओं को आगे बढ़ाते हुए कहा, सत्संग जी बाबा ने सोसाइटी अपलिफ्टमेंट्स के लिए भी अनेकों कार्य किए, ट्री प्लांटेशन, ब्लड डोनेशन, क्लिनिनेस ड्राइव्स, रन फॉर वननेस, नेचुरल क्लैमिटीज़ में भी हमारा मिशन हमेशा आगे रहा और दुनिया भर में देश में मिशन को इन चीज़ों के लिए सराहा गया और कई अवार्ड्स एंड ऑनर्स भी मिशन को मिले। आज भी आपने देखा सत्संग जी, हमारा मिशन आध्यात्मिकता का मिशन है, ब्रह्म ज्ञान का मिशन है और हमने इन्हीं बातों को पहल देके मिशन को आगे बढ़ाना है, मिशन की टीचिंग्स को आगे बढ़ाना है। समागम का तीसरा दिन। समागम में तीसरे दिन भी संजीदगी और शांति छाई रही। पहले की भांति न तो रिहायशी टेंटों में ढोल बाजे की गूंज थी और न ही खुशियों की गीत। हर हृदय को सद्गुरु बाबा जी की कमी खल रही थी, हर आंख में नमी और हर जुबान पर सद्गुरु बाबा जी के चर्चे थे। जब भी मिलना बहुत ही प्यार देना, और सबसे बड़ी बात यह है मैं हैंडीकैप हूँ, बाबा जी ने कहा कि पाने में रहना है, शुक्राना करना नंकार का, हमेशा शुक्राना करना है। बाबा जी ने जो नंकार ने जीवन दिया है, सेवा सत्संग सिमरन करो और बस सतगुरु के पाने में रहो। बाबा जी नेपाली टोपी लगाया तो नेपाली टोपी में लगाने में तो बाबा जी बोला आज हम नेपाल में आ गया तो हम नेपाली बन गया। बाबा जी ने इतना प्यार दिया है हम लोगों को लखनऊ में, लखनऊ जब भी आते थे ऐसा लगता था कि जैसे कि हमारे लिए आए हुए हैं वो। जैसे हमने सुना था कि भगवान सामने आते हैं, प्रकट होते हैं, कैसा लगते हैं, हमने साक्षात भगवान को देखा और उनको देख कर हमें कभी भगवान की कमी महसूस नहीं, क्योंकि हमने जाना है कि स्वयं भगवान थे। सदगुरु हमको छोड़ के गए नहीं, सदगुरु हमारे साथ हैं। वैसे भी बोलते थे वो तो उन संतों के में ही है, जिस अगर मुझे देखना चाहते हो तो संतों से मिलो, संतों से देखो, संतों से प्यार करो, तो मैं उनमें ही हूँ। बाबा जी जो प्रथम थर बस देखी थी लगुला मोर बापा अच्छा कि आज अनाथ हो जा लगुच तथा खुशी अच्छी जे कि माँ पाखे अच्छी अधा अनाथ हेले मो मार सहारा अच्छी आज से बहुत खुशी अच्छी तथा बाबा जी बहुत दुखी मु। हमेशा की तरह समागम के तीसरे दिन जनरल बॉडी मीटिंग का आयोजन था, जिसमें केंद्रीय योजना व सलाहकार बोर्ड, कार्यकारिणी समिति, संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन, केंद्रीय सेवादल अधिकारी, जोनल इंचार्ज, सेवादल के क्षेत्रीय संचालक एवं देश भर के संयोजकों सहित दूर देशों से आए प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। मीटिंग में निरंकारी मंडल के सचिव ने समस्त विभागों की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस अवसर पर सद्गुरु माता जी द्वारा बहन बिंदिया छाबड़ा जी को संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की अध्यक्षा मनोनीत करने की घोषणा की गई। सद्गुरु माता जी ने इस मीटिंग में कहा कि सभी मिलजुल कर मिशन की बेहतरी के लिए योगदान दें।
जनरल बॉडी मीटिंग के पश्चात तीसरे दिन के सत्संग कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। पहले और दूसरे दिन की ही तरह तीसरे दिन के सत्संग कार्यक्रम में भी देर तक युग दृष्टा बाबा हरदेव सिंह जी को समर्पित गीतों व्याख्यानों का समा बंधा रहा। दुनिया में जिस तरह धन निरंकार फैला है, मैं कहीं भी दुनिया में जाता हूं तो ऐसा डिसिप्लिन सोसाइटी, ऐसा मिशन शायद ही दुनिया में कहीं पर देखने को मिलेगा जो यहां पे है। इस दिन का मुख्य आकर्षण था बहुभाषीय कवि सम्मेलन, जिसका शीर्षक था कर्ज चुकाया जाए ना हरदेव तेरे एहसानों का। इस शीर्षक पर लगभग 30 कवियों ने अनेक भाषाओं का सहारा लेकर अपनी रचनाएं पढ़ी। कुछ हाल लिखा है लफ्जों में, दिल ने अपने अरमानों का, तेरी मीठी मीठी यादों का, तेरी प्यारी सी मुस्कानों का। इस जग दे चैन अमन खातर तू सारा जीवन ला देता, बड़े प्यार नाल मुंह मोड़ देता, तुसा नफरत दे तूफाना दा। सतगुरु माता दी सूरत चो तेरी सूरत नजरी आ गई है, ए हो ही केंद्र बिंदु है सब दे दिल दे अरमाना दा। सत्संग समापन के अंतिम दौर में मानवता के मसीहा युग दृष्टा बाबा हरदेव सिंह जी महाराज को समर्पित सूफी संगीत का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें कलाकारों ने बाबा जी को समर्पित रचनाओं और अपनी मोहक पेशकश द्वारा बाबा जी की यादों को ताजा कर दिया। ये वो पल थे जब सभी की आंखें छलक रही थीं और सद्गुरु बाबा जी की निरंकार रूप में मौजूदगी का एहसास दिलों में उतर आया। मेरे ख्यालों में तू बसा है, तू ही है मंजिल, तू रास्ता है, तू ही जमीन है, तू आसमां है, तू ही है मौला, तू ही वहां है। अब तक बनी हुई है, किसी का है
डर से लो लगी है, ये सब तुम्हारा करम समागम के तीसरे दिन सद्गुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज ने समागम सत्र को संबोधित करते हुए और बाबा जी के उपकारों का जिक्र करते हुए फरमाया, सत्संग जी प्यार से कहना धन। सत्संग जी आज समागम के अंतिम दिन सवेरे जनरल बॉडी की मीटिंग में भी सबने अरदास करी कि बाबा जी के विजन को, बाबा जी की टीचिंग्स को हम आगे लेके जाएं, और जैसा ये प्रीत प्यार वाला शहर यहाँ बसा हुआ है इसको जगह जगह हम बसा पाएँ। एक बच्चे ने कुछ पंक्तियाँ लिख के भेजी, आपकी दिखलाई राहों पर सफ़र तय हम कर पाएँ, कुछ इस तरह सजदाए इबादत कर पाएँ। सत्संग जी अरदास करें जैसे बाबा जी ने चाहा हम सब वैसे ही चल पाएँ। सत्संग जी बाबा का तो हृदय बहुत विशाल था, हर हाल में खुश रहना जैसे उन्होंने सिखाया हम सब रह पाए। सत्संग जी धन। तो देखा आपने कैसा खूबसूरत प्यार का जहान बस जाता है जब समागम आता है। जी हाँ, और ऐसा ही खूबसूरत हमारा मन का रूप भी बन जाता है जब इसमें गुरु के ज्ञान और गुणों का समागम हो जाता है। एब्सोल्युटली। वक्त अब आगे बढ़ने का है, पर पहले एक लघु विराम। ब्रेक के बाद सभी दर्शकों का एक बार फिर से न्यूज डिवाइन में स्वागत है। आइए अब सफर तय करते हैं न्यूज डिवाइन के अगले सेक्शन का, जिसमें हम निरंकारी जगत के विश्व व्यापक रूप के दर्शन करते हैं। Yes, dear viewers, thousands of volunteers of Nirankari Mission continue to spread the quintessential message of the mission across the globe in a variety of ways. Thousands of devotees from all over the world also gathered at the annual Samagam to participate in the Samagam in the convention called the Tribute to Humanness. Let's listen to their views and experiences in the section Mission Overseas. The 69th annual Samagam also saw another special attraction in the form of a multilingual forum where volunteers of the mission shared the message of oneness and humanness, besides also describing about the philosophy and activities of the mission to the eager souls in numerous languages of the world. My name is Supreet and I'm working as a volunteer for this forum, international forum. The objective of this forum is to connect with people. Since we know that communication is a channel to connect, our Sadhguru wants that whatever channel we are able to use as a bridge, we should use and not as a barrier. The purpose behind establishing this forum is to cover the 2/3 of humanity. Top 5 languages are being covered under this forum, like Chinese, Russian, German, Spanish and many more. I can translate the holy scriptures of our mission, the discourses of Sadhguru Mataji in German language, to reach the overseas, to communicate with the German. Thousands of devotees gathered from world over to partake in this tribute to humanness Samagam, offering their esteem for the life and teachings of His Holiness Baba Hardev Singh Ji Maharaj. I have joined this mission for 1995. My wife was coming from the mission and Babaji was there at that moment in the Netherlands. And I feel the good feeling from the mission
to have no difference in belief, in no difference in humanness. So it was so a good feeling that I say I will join the mission because it gave me so good things. My name is Sneha Jyoti, my Indian name. I am from Germany and I am here the second year now to have the great experience of this Nirankari mission. It is one of the greatest spiritual things for me I've ever seen. And I'm very happy to be here, happy to meet all these people. We with a huge amount of work do that for the people who gather in the name of the brotherhood of mankind. तो मित्रों, आपने संत निरंकारी मिशन के विश्वव्यापी प्रयासों का दर्शन किया और देखा कि किस प्रकार सत्य और प्रेम के संदेश को, वननेस और ह्यूमननेस के संदेश को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, और आध्यात्मिक योगदानों के साथ साथ निरंकारी परिवार द्वारा सामाजिक उत्थान के भी अनेकों अनेक कार्य किए जा रहे हैं। मुक्ता जी, एक मित्र ने इस प्रकार कहीं पूछ लिया कि आपका तो आध्यात्मिक जागृति का मिशन है, फिर ये सामाजिक कार्यों की तरफ इतना रुझान या इतना इसका औचित्य क्या है? And what is the need of social efforts when you're focused on the path of salvation and spiritual growth? फिर आपने क्या कहा? मैंने वही कहा जो सद्गुरु ने हमें समझाया है जी। कि आत्मा की जागृति तो उत्तम और अनिवार्य है ही, पर जिस वाहन में ये आत्मा सफर कर रही है, the vessel of the soul, this body, इसका स्वस्थ, शिक्षित और सशक्त होना भी तो जरूरी है। जी हाँ, और इसीलिए बाबा जी ने रचना की थी संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की, जिसके माध्यम से सामाजिक कार्यों को व्यवस्थित और व्यापक रूप से संचालित किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ एक और SNCF द्वारा वर्ष भर अनेक सार्थक योगदान दिए गए, वहीं 69वें निरंकारी संत समागम के अवसर पर भी SNCF के वॉलंटियर्स ने अनेक सेवाओं को बखूबी निभाया, चाहे वो कायरोप्रैक्टिक डिस्पेंसरी में सेवाएं थी या दिव्यांगों के कैंप में सेवाएं थी और या फिर SNCF की प्रदर्शनी में। सब तरफ SNCF के वॉलंटियर्स ने मिशन की मूल शिक्षा को आधार बनाकर निष्काम सेवा के भाव से अभिव्यक्त किया। तो आइए देखते हैं 69वें समागम पर SNCF की गतिविधियों को। SNCF डायरी। सामाजिक हित में किए जा रहे कार्यों द्वारा संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन निरंतर अपना योगदान समाज में दे रहा है, और इसी योगदान को आगे बढ़ाते हुए नवंबर माह में वृक्षारोपण अभियान एक बड़े पैमाने में टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ SNCF ने मिलकर 15,000 वृक्ष लगाकर वातावरण को सुंदर रखने का संदेश दिया, जहां पर SNCF के लगभग 1100 वॉलंटियर्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही वर्ष भर भिन्न भिन्न स्थानों पर निरंतर चलने वाली गतिविधियां, SNCF के द्वारा अनेक सामाजिक और आध्यात्मिक योगदानों का ब्यौरा वार्षिक समागम में प्रदर्शनी के माध्यम से दर्शाया गया, जहां SNCF के वॉलंटियर्स ने अपने भाव और आगंतुकों ने सामाजिक कार्यों की सराहना कुछ इस प्रकार व्यक्त की। I feel really blessed that I got time to watch out this exhibition, and I have been a part of Sant Nirankari Charitable Foundation. I've been the part of social improvement programs like tree plantation, humanist blood drive. So it's a real blessing for me that Her Holiness chose all of us for such things, for the promotion of society. मुझे SNCF के volunteer ने बहुत अच्छे से मुझे समझाया कि निरंकारी मिशन द्वारा क्या क्या योगदान दिए जा रहे हैं। Heals, enrich and empower. Heals में होता स्वास्थ्य रिलेटिव, हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी गई जो मुझे इससे पहले नहीं पता था कि निरंकारी मिशन द्वारा ये भी योगदान दिए जा रहे हैं। और इसके अलावा स्थानीय स्थान पर भक्तों के स्वास्थ्य की देखभाल हेतु डिस्पेंसरी की व्यवस्था भी की गई, जहां पर पीड़ितों को सतगुरु माता जी ने पहुंचकर आशीर्वाद दिए। साथ ही समागम में SNCF की ओर से हेल्थ कैंप भी लगाए गए, जिसमें देश विदेशों के कायरोप्रैक्टिक डॉक्टर्स की टीम द्वारा लोगों को बिना किसी मेडिसिन के स्वास्थ्य लाभ पहुंचाया गया। कायरोप्रैक्टिक की ये टीम पिछले कई सालों से वार्षिक समागम दिल्ली व मुंबई में यह निस्वार्थ भाव से निभा रहे हैं। हर बार की तरह इस थेरेपी का लाभ लेने के लिए लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर इसका लाभ उठाया। Hi, my name is Dr. Tegan Johnston and I'm here serving from Bayfield, Ontario, Canada. So appreciative of what we're here doing
And at that point, I had seen nothing besides this tent that we're standing in right now. So we had the opportunity that same first day to go out and see what else was going on in this mission, and I knew that I had to go find out what this really was. So we went and we started walking around, and I instantly felt so grateful to be a part of this. Just something so beautiful. They took us to the food tents and they showed us all of the volunteers that were just here on their own time, just serving, making food for so many people. They showed us all of the food that had been donated by people as well. The love, the selfless love that's just within the walls of this samagam was fascinating. And I felt truly grateful to be a part of it. I'm Dr. Jimmy Nanda from Toronto, Canada. We're here again at the 69th annual Sant Nirankari Samagam in New Delhi. And we're here with another team of doctors, and we are so humbled and honored that the Sant Nirankari Mission has invited us again to serve all the people of the mission. And we have representation this year, or this Samagam, from many countries. That's been happening out of selfless service. This was, as you know, set up by Baba Hardev Singh Ji Maharaj many years ago. And now that legacy that he's created has grown, and it's grown leaps and bounds. That doctors, new doctors, are coming on board asking how can we serve. Satguru Mata Ji ka lakh lakh shukar guzar karti hu. Kitne patient theek ho ke ja rahe hain. Dasi pandal mein bahut hi kal se dard se chilla rahi thi. Sabhi behne gayi aur sabhi behne kehne lagi, behan ji aap please wahan par ja kar dekho. Mata Ji ne hamare liye bahut hi achhi suvidha banayi hai. Doctors aaye hain hamare liye. Aap bhi ja ke dekho. Jaise hi aayi hai dasi, bahut hi pair mein farak hai aur bahut hi aaram mil raha hai. Hi, I'm Dr. Ron Obersee from Life Chiropractic College West in Hayward, California, and I've been asked to say a few words about my experience here at the Samagam and the thousands of people who come into our tent to have chiropractic care and allow us to take care of them so that we can release the Nirankar within them so they can have a free-flowing nervous system and allow them to be more in touch with their Nirankar. And it's something that I have to say is we'll continue to do as long as we have the blessings of Mataji and the Nirankar Foundation to come back. There'll never be a shortage of chiropractors, and we are so, so thankful to be allowed to do what we do with the Nirankar Foundation. Dr. Alison Vale, this is my seventh Samagam. Dr. Mark Ziegler, I'm Vice President of Institutional Advancement at Life Chiropractic College West. This is my first experience here at the mission, and what an incredible experience. I'm Dr. George Curry, I'm president of the International Chiropractors Association, and it's just a thrill to be over here. We are over here with over 32 chiropractic students and over 32 doctors from all around the world coming here to serve at the Nirankari Mission, and we are feeling very blessed to be here. Iske alawa, acupressure aur sujok therapy ka bhi camp lagaya gaya, जहां लोगों ने यहां भी पहुंचकर अनुभवी डॉक्टर्स द्वारा स्वास्थ्य और निरोग रहने का लाभ उठाया। साथ ही चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से समागम के दौरान शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष प्रबंध भी किए गए, जहां SNCF के वॉलंटियर्स के द्वारा हर प्रकार की सुविधाओं का ध्यान रखा गया। चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से लोगों को वॉकिंग स्टिक व अन्य सामान निःशुल्क वितरित किए, जहां साथ ही SNCF की प्रेसिडेंट बिंदिया छाबरा जी ने विकलांग शिविर में पहुंचकर लोगों को आशीर्वाद दिए। मेरा नाम राजेंद्र है और मैं महाराष्ट्र से आया हूं। पहली बार तो जब मैं यहां आया था तो जमीन पर रेंग के आया था, और जब इधर के महापुरुष बोले ये सदगुरु आपको ठीक कर देगा, और इनके मुख से ऐसा निकला कि जब अगले साल तुम आओगे तो आपने पैर बेचल के आओगे। तब यहाँ से जाने के बाद दो महीने के बाद पैर का ऑपरेशन हो गया और इस वॉकर पे आप चल के आ रहा हो, तो और भी विश्वास हो गया सदगुरु प्रति। वॉलंटियरिंग हेयर फॉर SNCF एंड आर ऑब्जेक्टिव इज़ टू हेल्प पीपल, हेल्प डिसेबल पीपल इन वॉट एवर वे वी कैन। And this time we have designed a questionnaire. As you can see, we have designed a questionnaire for them so that we can get a clear idea about what problem they have and we can cure it as perfectly as we can. वार्षिक सत्संग में जो आते हैं इस समागम में, तो जिस समय हम आ जाते हैं शिविर में उसी समय से सेवादार हैं, हमें बिल्कुल अपना सेवा प्रदान करते हैं और हमें साथ लेकर
ये विकलांग शिविर में लाते हैं और वहाँ पर व्यवस्थापक हमको ये परिचय पत्र बनाते हैं और इसके बाद यहाँ इतना हमारी में ईमानदारी होती है, इतनी सेवा होती है और इतना नाश्ता चाय मिलता है, भोजन मिलता है कि जितना हम कर नहीं सकते हैं। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ ह्यूमन राइट्स, लिबर्टीज एंड सोशल जस्टिस द्वारा 10 दिसंबर 2016 को द्वितीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अवार्ड फॉर पीस हिज होलीनेस बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के प्रति समर्पित किया गया। इस पुरस्कार को प्राप्त करने सदगुरु माता सविंदर हरदेव जी का आशीर्वाद पाकर होली डॉटर सुदीक्षा जी पहुँचे। मिशन के कई वरिष्ठ प्रचारक महात्माओं के साथ साथ होली डॉटर समता जी ने भी इंडियन इस्लामिक कल्चरल सेंटर लोधी रोड दिल्ली में सम्पन्न हुए इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। SNCF की ओर से बहन दिव्या छाबड़ा जी ने नारायण सेवा संस्थान उदयपुर के एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नुमाइंदगी की। इस कार्यक्रम का अन्य विवरण अगले अंक में। SNCF डायरी के बाद आगे बढ़ते हैं, पर आगे बढ़ने से पहले थोड़ा रुकते हैं क्योंकि चलते चलते विश्राम जरूरी है। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के ठीक उस पार। Welcome back friends, it's time to move further into this section where we meet eminent social personalities and get to know not only their views about the mission but also a broader perspective of how goodness and godness can bring a change for good in the world. So aaiye ab aage badhte hain hamare agle section ki aur jiska naam hai Ek Khaas Mulaqat. Ye wo section hai jisme kisi vishisht mehman se hum aapki mulaqat karwate hain. और इस बार हमारे साथ एक ऐसी ही समाज सेविका हैं जो लगातार सामाजिक उत्थान के लिए काम कर रही हैं। आइए करते हैं ये खास मुलाकात। सिक्सटी नाइन्थ संत निरंकारी एनुअल समागम पर हमारे साथ जुड़ी हैं एक खास शख्सियत जिनका नाम है पूजा छाबड़ा जी। पूजा जी हमारे साथ हैं राजस्थान से, जिन्होंने कई सालों से एक आंदोलन शुरू किया है जिसे वो कहते हैं शराब बंद आंदोलन। पूजा जी एक बहुत ही अलग सा, हमने ये एक जो मकसद है आपका जो सुना है, जिसका जो मोटिव है वो इतना ही खूबसूरत है कि निरंकारी मिशन की भी कई सालों से यही कोशिश रही है कि नशा, किसी भी तरह का नशा नहीं होना चाहिए। आपको क्या मोटिवेशन मिली कि आपको ऐसा लगा कि शराब या नशा नहीं होना चाहिए कम्युनिटी में? देखिए, नशा किसी भी प्रकार का हो नाश का कारण बना हुआ है और इस शराब के कारण कहीं परिवार बर्बाद हो चुके हैं। और जो मैंने खुद ये महसूस किया है, जब इस मिशन को लेकर राजस्थान के 33 ज़िलों का जब मैंने दौरा किया, राजस्थान के गांव-गांव डाणी डाणी जब मैं पहुंची, जब महिलाओं से मैंने बातचीत की, तब मुझे ये पता चला कि सबसे ज़्यादा अगर इस शराब से कोई वर्ग पीड़ित है तो वो महिलाएँ पीड़ित हैं। जब तक हिंदुस्तान में शराबबंदी नहीं होती तब तक अपनी माँ बहन बेटी का सम्मान नहीं हो सकता, उनकी सुरक्षा नहीं हो सकती और जो आने वाला अपना यूथ है उनका विकास नहीं हो सकता। नौजवान यूथ के विकास के लिए और अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए अपने इस भारत को नशा मुक्त भारत बनाने की ज़रूरत है। मैं आज यहाँ आकर, मेरे बहुत सारे सवालों के जवाब यहाँ आकर पूरे हो गए, क्योंकि मैं ये जानती थी कि निरंकारी मिशन खुद इसका बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार करते हैं कि नशा नहीं करना चाहिए, ये मैंने सुना था। आज जो इतनी बड़ी प्रदर्शनी जो लगा रखी है वो देखने के माध्यम से, जो बाबा जी को और माता जी को देखा कि उनका किस तरह से जीवन और अंतिम सांस तक उन्होंने मानवता के लिए किस तरह संघर्ष किया, पब्लिक को कोई मतलब नहीं है कि कोई उनके लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहा है, उनके लिए इतनी बड़ी जान दे रहा है, मानवता मर चुकी है। लेकिन यहाँ आकर मुझे ये महसूस हुआ है कि मानवता आज नहीं मरी है, मानवता आज जिंदा है। जब बाबा जी का
एक वीडियो क्लिपिंग चल रही थी, प्रोग्राम चल रहा था, तो इतनी भीड़ जो पब्लिक बैठी हुई थी, वो पब्लिक रो रही थी, उनके आंसू देख रही थी मैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि मानवता नहीं मरी है, केवल अपनी बात उन तक पहुंचाने की देरी है। अगर आप सही उद्देश्य के लिए और सही बात अगर आप जनता तक पहुंचाएंगे, तो जनता उसको एक्सेप्ट भी करेगी और आपका वो साथ भी देगी। कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि कोई भी सामाजिक बुराई के लिए जो भी बड़े आंदोलन खड़े किए जाते हैं, जब तक संतों का उस पर आशीर्वाद ना मिले, उनका मार्गदर्शन ना मिले और सही रूप से जनता तक अपनी बात ना पहुंचाई जा सके, एक यही कारण हो सकता है कि जब जनता साथ नहीं देती है। लेकिन निरंकारी मिशन में आकर मुझे एक बात ये महसूस लगी कि जनता इस बुराई को मिटाना चाहती है और निरंकारी मिशन इस बुराई को मिटाने में लगा हुआ है। उसके लिए मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और मैं इस मिशन से जुड़ना चाहती हूँ। पूजा छाबड़ा जी, आपके शब्द, आपके व्यूज़ बहुत ही अच्छे लगे। आपसे मुलाकात कर एक ख़ास मुलाकात कर बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही धन्यवाद हमारे से बात करने का। मैं अपने आप को बहुत प्राउड महसूस कर रही हूँ, या कहना चाहूँगी कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज इस मिशन में, इस पावन भूमि में, इस पावन पवित्र भूमि में आने का मौका दिया गया। इसके लिए आप सबका तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ और ईश्वर से यही कामना करती हूँ कि मुझे ये अवसर बार बार मौका मिला जाए और मैं इस मिशन का एक हिस्सा बनूँ। इसके लिए आपका और आपकी पूरी टीम का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। पूजा जी, थैंक यू सो मच। आज का यूथ अगर स्वस्थ है तो हमारा कल का भविष्य भी स्वस्थ है। पूजा छाबड़ा जी के साथ एक खास मुलाकात के लिए प्रीत साही फॉर न्यूज़ डिवाइन। मुक्ता जी, कितना अच्छा लगता है जब हमारी राय किसी दूसरे की राय से मिल जाती। जी हाँ राकेश जी, तभी तो कहते हैं 100 से आने एक को मत। जी हाँ, पर यह भी जरूरी है कि मत एक तो हो पर नेक हो, भलाई की ओर केंद्रित हो। बिल्कुल सही कहा आपने। अगला सेक्शन अंतिम सेक्शन है, तो ये मान लिया जाए कि न्यूज डिवाइन का अंतिम सेक्शन यानी कि अन्य समाचार, ये वो सेक्शन है जिसमें हम निरंकारी मिशन के प्रचार प्रसार के लिए किए जा रहे मिश्रित प्रयासों का विवरण आप तक लेकर आते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस सेक्शन में या यूं कहें कि पूरे न्यूज डिवाइन के माध्यम से हम केवल एक छोटा सा अंश ही प्रस्तुत कर पाते हैं आपके समक्ष निरंकारी जगत के भक्तों के विशाल जीवन का। एब्सोल्युटली, केवल भारत भर में ही 3,000 के करीब ब्रांचेस में लाखों भक्तों के द्वारा रोज किए जाने वाले सत्संग और निरंकारी सेवा दल के लगभग 1.5 लाख जवानों और बहनों के द्वारा दिया जाने वाला निष्काम सेवा का योगदान, इन सब को इस छोटे से कार्यक्रम में समेट कर ला पाना असंभव है। और इसीलिए हम प्रणाम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं अपने उन सभी साथी भक्तों का जो किसी न किसी रूप में सत्य के प्रचार में संलग्न है। जी हाँ, और अन्य समाचारों में देखते हैं इसी प्रचार व्यवस्था के साथ साथ कुछ मिश्रित समाचारों को भी, जिसमें शामिल होगा 69वें निरंकारी संत समागम में लगाई गई मुख्य प्रदर्शनी, इसके अलावा निरंकारी बच्चों द्वारा लगाई गई फुलवारी बाल प्रदर्शनी के रूप में, और मेडिकल अवेयरनेस से जुड़े पहलुओं के प्रति जागरूक करती एक हेल्थ एग्जीबिशन भी। जहां वर्ष भर भिन्न भिन्न स्थानों पर निरंकारी प्रदर्शनी लगाई जाती है, वहीं इस समागम पर भी अनेक प्रदर्शनियां लगाई गईं। मुख्य प्रदर्शनी जो कि अपने प्रति वर्ष के निश्चित स्थान पर लगी हुई थी, सभी आगंतुकों के आकर्षण का केंद्र रही। मिशन के इतिहास एवं गतिविधियों को उकेरती ये प्रदर्शनी इस बार सद्गुरु बाबा हरदेव जी महाराज के कल्याणकारी जीवन पर आधारित थी, जिसमें सद्गुरु बाबा जी की कल्याण यात्राओं व उनकी शिक्षाओं को चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया था। इसके अलावा इस प्रदर्शनी में बच्चों ने एक लघु नाटिका द्वारा रोचक ढंग से बाबा जी के जीवन के 36 वर्षों के दौरान मानवता पर किए गए परोपकारों को चित्रित किया। दिनाथ के ही चलता रहा वो, दिनाथ के ही चलता रहा, कर गया भला संसार का, प्यार प्यार बरसा गया एक मसीहा प्यार का।
इस प्रदर्शनी को देखने के लिए श्रद्धालु भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई थीं। भावपूर्ण हृदय और नम आंखों से इसी प्रकार बाल प्रदर्शनी में बच्चों को सद्गुरु बाबा जी की आध्यात्मिकता से जोड़ने वाली शिक्षाओं को आकर्षक ढंग से दिखाया गया था। साथ ही बच्चों से जुड़ी तमाम गतिविधियों को विभिन्न गेम्स व मॉडल्स के द्वारा भी दर्शाया गया था। बाबा जी ने पूरे दिन रात मेहनत करके प्यार के संदेश को आगे बढ़ाने की बड़ी मदद करी। और बाबा जी हमेशा कहते थे कि हमें प्यार से बातें करनी चाहिए और प्यार से सारे काम करने चाहिए। राजस्थान से आया हूँ, मैं अभी प्रदर्शनी देख के आया हूँ। मुझे इंसानियत का मॉडल बहुत अच्छा लगा। उससे जैसे हम बाबा जी हमें बनाना चाहते थे, हमें वैसा ही बनना चाहिए। हमारे हर सुख दुख, हमारी हर खुशी, हर मोमेंट में लाइफ की गुरु शामिल होता है। और जैसे कि हम बचपन से बाबा जी को देखते आ रहे थे, बाबा जी की खुशी, बाबा जी का एक एक मोमेंट जो कि आज हमें याद आता है। बाबा जी शरीर रूप में हमारे साथ नहीं है, उनका भी छोड़ा हमें बहुत महसूस होता है, लेकिन उनकी सिखलाई और जो कमी है वो पूरा करने वाले आज माता जी हैं, वो हर तरफ से कवर अप कर रहे हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए समागम में एक हेल्थ एग्जीबिशन भी लगाई गई थी, जिसमें स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियों को रोचक और आकर्षक ढंग से दिखाया और समझाया गया था। तो लीजिए मुक्ता जी, अंतिम सेक्शन भी समाप्त हो गया। जी हाँ, और समय आ गया है अब अपने दर्शकों से विदा लेने का। जी हाँ, यही दस्तूर भी तो है। कोई ऐसा दिन नहीं जिसके बाद रात ना आई हो, और कोई ऐसी रात नहीं जिसको खत्म करने के लिए सूरज ना आया हो। जी हाँ, कभी कभी बादल अवश्य आ जाते हैं पर वो स्थायी नहीं होते, और इसीलिए सद्गुरु निराकार का आसरा लेकर हिम्मत से और विश्वास से विनम्र रहते हुए एक दूसरे का साथ देते हुए बस हमें चलते चले जाना है। और अब हमें भी चलना होगा, अपने दर्शकों से ये वादा करते हुए कि अगले एपिसोड में, जो कि नए साल यानी कि सन 2017 का पहला एपिसोड होगा, हम आप तक लाएंगे साल 2016 की निरंकारी जगत की सभी खबरों का एक लघु रूप। जी हाँ, 2016 के राउंडअप के साथ साथ मुंबई समागम के कुछ अंश लेकर भी हम हाजिर होंगे। अपने फीडबैक्स और सजेशंस हमें newsdivine@nirankari.org पर अवश्य भेजते रहें। बहरहाल इजाजत दीजिए राकेश को और मुक्ता को। नमस्कार, धन निरंकार।